A very pleasant good morning, dear readers. Today we are going to analyze the editorial page of 20th January. So let us start our editorial of the day without any further delay. The title of this particular editorial is In Bad Faith. In Bad Faith. On the ongoing farmers protest or agitation. देखें अभी हो क्या रहा है, जब से गवर्नमेंट ने वो 3 जो फार्मर्स एक्ट लगाने की कोशिश की है तो फार्मर्स की तरफ से एक एजिटेशन हुआ है, एक प्रोटेस्ट हुआ है। और अभी फिलहाल दोनों पार्टीज के बीच में, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं और फार्मर्स की अगर बात करता हूं, तो दोनों पार्टीज के अंदर अभी एक बैड फेथ बना हुआ है। कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के अंदर विश्वास की कमी है। गवर्नमेंट को फार्मर्स की तरफ से विश्वास नहीं मिल रहा, फार्मर्स को जो भी गवर्नमेंट ने उनको पॉलिसीज बताई है तो फार्मर्स को विश्वास नहीं है उन पर्टिकुलर एक्ट्स के ऊपर, उन पॉलिसीज के ऊपर। तो एक बैड फेथ की सिचुएशन बनी हुई है। आज का आर्टिकल इसी पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। चलो देखते हैं इसको डिटेल में। द एनआईए डिसीजन, एनआईए डिसीजन टू समन पीपल associated with the ongoing farmers agitation as witness in a sedition case is definitely out of the ordinary. देखिए अभी हुआ क्या है, NIA decision, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि NIA को इन्वॉल्व कर लिया है। कैसे? NIA मतलब हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उन लोगों के NIA के तहत उन लोगों को समन भेजे हैं। समन का मतलब हो गया ask to come। उन लोगों को समन भेजे हैं जो किसी भी तरीके से जो फार्मर्स का एजिटेशन है उसके साथ एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं। और उनके ऊपर किस चीज के चार्जेस लगाए हैं? सेडिशन के चार्जेस लगाए हैं। सेडिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ इनकरेजिंग रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिसको आप राजद्रोह बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूं कि वो लोग जो किसी भी तरीके से फार्मर एजिटेशन को हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ एनआई ने क्या किया है, उन लोगों के खिलाफ एक सेडिशन का केस दायर किया है, मतलब राजद्रोह का केस उन लोगों के ऊपर लगाया गया है। आउट ऑफ द ऑर्डनरी, आउट ऑफ द ऑर्डनरी, ये जो मूव है वो कोई ऑर्डनरी मूव नहीं है, बल्कि ये बहुत ही एक अबनॉर्मल मूव है जो गवर्नमेंट ने लिया है उन लोगों के खिलाफ जो फार्मर्स एजिटेशन में किसी भी तरह की हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। इवन इफ नॉट इंटायरली सरप्राइजिंग, पंजाबी एक्टर दीप सिंह सिद्धू, फार्मर्स लीडर बलदेव सिंह सिरसा आर अमंग 40 पीपल। ये बात बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है ये बात, ठीक है? क्योंकि पंजाबी एक्टर दीप सिंह है, फार्मर्स लीडर बलदेव सिंह सिरसा है, और बहुत सारे ऐसे, और मतलब 40 लोग ऐसे हैं। इट हैज समन्ड, एनआईए ने उनको समन भेजा है इन कनेक्शन विद अ फ्रेश केस रजिस्टर्ड ऑन दिसंबर 15, 2020। और इन 40 लोगों के खिलाफ क्या कि भेजा, एक समन भेजा है और इन सभी के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया है। कब? 15 दिसंबर को, लास्ट मंथ, यानी लास्ट मंथ जो दिसंबर था, 15 दिसंबर को उन सभी के खिलाफ एक केस दायर किया है अगेंस्ट सिक ऑफ जस्टिस। देखें सिक ऑफ जस्टिस क्या है, सिक ऑफ जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस बेस्ड है, ठीक है? और इसका काम क्या, देखते हैं। देखो यूएस बेस्ड सेशनिस्ट ग्रुप, सेशनिस्ट मतलब आप कह सकते हो अलगाववादी जो होता है, दैट सपोर्ट द सेसेशन ऑफ पंजाब फ्रॉम इंडिया एज ए खालिस्तान। मतलब वो जो लोग जो पंजाब को इंडिया से अलग करना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनके ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो यूएस बेस्ड जो सिख कम्युनिटी, सिख ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंडिया में बैन किया गया है। और उसी के तहत मतलब उन्होंने क्या किया है, मतलब ये जो लोग हैं, ये जो 40 लोग हैं, इनको इनको इनके खिलाफ जो समन भेजा गया है, कहीं ना कहीं इस बात का हवाला दिया है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि पंजाब को खालिस्तान बनाया जाए। तो राजद्रोह का केस लगाकर इन लोगों के खिलाफ समन भेजे गए हैं। अदर समन इंक्लूड, और इस इतना ही नहीं, दूसरे लोगों के खिलाफ भी समन भेजे गए हैं। फंक्शनरीज ऑफ खालसा एड, एड का मतलब कह सकते हो वैसे हेल्प करने वाले, सहायता करने वाले, असिस्टेंट,
a Sikh charity that provided material support to the agitating farmers. और सिर्फ ये 40 लोग ही नहीं है जिनके खिलाफ समन्स भेजे गए हैं, इनके अलावा भी एक चैरिटी कह सकते हो, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है खालसा एड के नाम से, जो क्या करती है, जो एजिटेशन फार्मर्स है उनको क्या प्रोवाइड करती है, उनको खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करती है, उसके खिलाफ भी उन्होंने क्या भेजे, समन भेजे हैं. दोज हु ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी किचन फॉर देम, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये खालसा एड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो फंक्शनरीज हैं, फंक्शनरीज का मतलब आप कह सकते हैं उसके जो ऑफिशियल्स हैं, उन सभी के खिलाफ भी क्या भेजे हैं, उन सभी के खिलाफ भी समन्स भेजे गए हैं. ठीक है, और ये जो खालसा एड है वो क्या करती है, काम क्या करती है, जो एजिटेटिंग फार्मर्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सभी को क्या करती है, उन सभी को मटेरियल प्रोवाइड करती है. किस चीज के लिए, खाना खाने के लिए उन सभी को मटेरियल प्रोवाइड करती है. तो उन सभी के खिलाफ क्या किया गया है, अभी समन भेजे गए हैं और सभी के ऊपर चार्जेस किस चीज के लगे हैं, सेडिशन चार्जेस लगे हैं. तो इन शॉर्ट इस पैराग्राफ में हमने ये सीखा है, इस बात का पता चला है कि अभी गवर्नमेंट ने एक मूव चला है जिसमें क्या है, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो लोग किसी भी तरीके से इस फार्मर एजिटेशन के साथ एसोसिएट है, किसी भी तरह की वो हेल्प कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अभी सेडिशन का केस, राजद्रोह का केस उनके खिलाफ लगाया है और उन लोगों को समन्स भेजे गए हैं. उनमें से 40 लोग हैं जिनके खिलाफ समन के केसेस भेजे गए हैं, जिसमें से मालदीप सिंह सिद्धू हो गया, बलदेव सिंह सिरसा हो गया, और इसके साथ साथ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है खालसा एड के नाम से जो कि मटेरियल प्रोवाइड करती है एजिटेटिंग फार्मर्स को, उसके ऑफिशियल्स के खिलाफ यानी फंक्शनरीज के खिलाफ भी क्या भेजे गए हैं, समन्स भेजे गए हैं. तो ये सरकार का एक मूव है. चलो इसमें कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करते हैं हम. देखें, टू समन, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका V1 आता है तो इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव. तो यहाँ पर हमने इन्फिनिटिव यूज किया है, इन्फिनिटिव यूज किया है टू समन. इट हैज समन, अब ये इट जो यूज किया है वो कहीं ना कहीं NIA के लिए यूज किया है. NIA, इट किसके लिए यूज किया गया, NIA के लिए. और ये सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का. प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हम हैज प्लस यानी हैज या हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं. तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट का रूल स्ट्रक्चर हमें फॉलो किया है. ठीक है, इसके बाद देखते हैं टू एजिटेटिंग फार्मर्स. अब फार्मर्स हो गया आपका नाउन, ठीक है, और एजिटेटिंग जो है वो यहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करता है, पार्टिसिपल. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है. तो यहाँ पर एजिटेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. और दोज हु, अब दोज जो होता है वो दोज हमेशा अपने साथ हु को ही लेकर चलता है. कई बार यहाँ पर एरर हुम लगाकर दिया जाता है जो कि इनकरेक्ट होता है. ठीक है, तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे फर्स्ट एंजा के अंदर. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट एंजा पे. अब देखते हैं द इंसिनुएशन. देखो, इंसिनुएशन का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट हिंट और सजेशन फॉर समथिंग बैड ऑफ NIA, मतलब NIA का जो सजेशन है, इन द वेरी एक्ट ऑफ समनिंग, संबंध भेजने वाली बात करें, them as witness, follow statement by BJP leaders, साथ के साथ, मतलब NIA ने उनको संबंध तो भेजे ही हैं, उसके साथ साथ BJP के leaders हैं, उनके भी कुछ statements आए हैं. क्या statement है, that linked, associate the agitation to Khalistani separatism, और BJP के जो leaders हैं, उसने इस agitation को क्या क्या हवाला दिया, इस agitation को किस नाम से बोला है, कि Khalistani separatism है ये. Separatism का मतलब होता है segregation. मतलब कहीं ना कहीं ये लोग खालिस्तानी जो एक माइंडसेट है, एक जो विचारधारा है, खालिस्तान मतलब जो पंजाब को इंडिया से अलग करके एक खालिस्तान बनाना चाहते, उस विचारधारा को क्या करता है ये एजिटेशन, सपोर्ट करता है. और ये स्टेटमेंट बीजेपी के लीडर्स ने दी है. लो ला ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक. और जो लॉ ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट को लास्ट वीक उन्होंने बताया, क्या बताया देखते हैं. द एट एंटी नेशनल फोर्सेस, एंटी नेशनल फोर्सेस मतलब जो देश के खिलाफ जो ताकत है, हैड इनफिल्टर्ड
द प्रोटेस्ट। इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है पैनिट्रेट करना, मतलब घुस जाना, यानी कहीं ना कहीं इस एजिटेशन के अंदर अब कुछ एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं वो इस प्रोटेस्ट के अंदर घुस गई हैं एंड वर मिसलीडिंग द फार्मर्स। और वो क्या कर रही हैं, सभी फार्मर्स को मिसलीड कर रही हैं। दिस पोर्ट्रेल ऑफ क्रिटिक्स, क्रिटिक्स आप कह सकते हो, क्रिटिसिज्म, पोर्ट्रेल का मतलब होता है एग्जीबिशन करना, दिखावा करना, दिखाना। अब ये जो क्रिटिसिज्म दिखाई दे रहा है ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो थ्री एक्ट को लेकर, फार्मर एक्ट को लेकर, एज आइदर मिसलेड एंड इग्नोरेंट। या तो उसको मिसलेड किया गया है या उसको इग्नोर किया गया है। एंटी नेशनल एक्टर्स फोर क्लॉजेस ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी ऑनेस्ट डायलॉग विद देम। और इन जो एंटी नेशनल एक्टर्स हैं, अब ये एंटी नेशनल एक्टर्स कौन है, जो किसी भी तरीके से फार्मर एजिटेशन को क्या करे, इग्नाइट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से फार्मर्स को क्या कर, इस एजिटेशन को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे हैं, गवर्नमेंट और फार्मर्स को एक मत होकर एक डिसीजन लेने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनआईए का ऐसा मानना है, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि एंटी नेशनल जो फैक्टर्स हैं वो इसको क्या करें, फोर क्लॉज कर रहे हैं। फोर क्लॉज मतलब फॉरबिड करना, प्रिवेंट करना, ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ऑनेस्ट डायलॉग विद देम। डायलॉग का मतलब हो गया डिस्कशन। तो कहीं ना कहीं ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं वो एक प्रॉपर डायलॉग नहीं होने दे रहे हैं, जिससे कि सरकार और जो फार्मर एजिटेशंस के जो लीडर हैं वो बैठकर मतलब क्या कर सके, एक अच्छे से विचार कर सके। सॉरी, दैट मे नॉट बी एन अनइंटेंडेड आउटकम फॉर द गवर्नमेंट दैट हैज नेवर बीन इन इंथ्यूजियास्टिक अबाउट कंसल्टिव प्रोसेस। देखिए, अब ये जो आउटकम होने वाला है, रिजल्ट जो होने वाला है, अनइंटेंडेड है। अनइंटेंडेड का मतलब लैकिंग केयर ऑफ अटेंशन, मतलब ये जो डिसीजन जो होने वाला है वो डेफिनेटली सी बात है अनइंटेंडेड है। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें क्या रही है, गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर तरीके से केयर नहीं की है, अटेंशन पे नहीं की है, और वो गवर्नमेंट है इस एजिटेशन को लेकर कोई ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक भी नहीं रही है, कीन नहीं रही है, यानी उसने अपनी प्रॉपर अटेंशन इसको नहीं दी है। तो डेफिनेटली सी बात है रिजल्ट्स भी, मतलब आउटकम्स भी वो इतने अच्छे नहीं है। इन दिस इंस्टेंस, अगर एग्जाम्पल की बात करें, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल की बात करें, द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट प्रोफर, प्रोफर का मतलब हो गया सजेशन, मतलब जो गवर्नमेंट है और जो कोर्ट का सजेशन है, डायलॉग विद द प्रोटेस्टर, कि प्रोटेस्टर्स के साथ यानी जो एजिटेशन करने वाले हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। वाइल एजेंसीज इंप्लॉय इंटीमेटरी मेजर्स अगेंस्ट देम। लेकिन देखो यहाँ पे आप कह सकते हैं डबल फेस्ड होगी है गवर्नमेंट, कैसे, एक तरीके से तो बात करना चाह रही है प्रोटेस्टर से, डायलॉग करना चाहती है, जबकि एनआईए ने क्या किया है, एनआईए ने इंटीमेडिट्री, इंटीमेडिट्री का मतलब होता है फुल ऑफ वार्निंग, वार्निंग दी है उन लोगों को जो किसी भी तरीके से फार्मर एजिटेशन को क्या करें, हेल्प करें, उसके साथ एसोसिएट है। तो गवर्नमेंट एक तरफ से तो बोल रही है कि प्रॉपर तरीके से डायलॉग करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरीके से जो लोग एजिटेशन के अंदर साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या लगा दिया, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट अपना डबल फेस्ड, ऑब्वियस सी बात, चेहरे को दिखा रही है। चलो इसके कुछ पॉइंट, इसके हम कुछ ग्रामर रूल्स की बात कर लेते हैं। देखिए ऑफ समनिंग, देखो ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा जीरंड यूज करते हैं। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगाते हैं और उसको नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पर समनिंग है, यहाँ पर एक जीरंड है। ठीक है, साथ के साथ मैं बात करूं यहाँ पे, देखो हैड प्लस फिल्टर्ड, हैड फिल्टर्ड यानी हैड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट जिसमें आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, हैड इनफिल्टर्ड द प्रोटेस्ट, तो हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। दिस पोर्ट्रेल ऑफ क्रिटिक्स, अब ये जो पोर्ट्रेल है क्रिटिक्स की, अगर मैं बात करता हूँ, ये फोर क्लॉजेस, अब ये जो फोर क्लॉजेस हैं यहाँ पे फर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आई है, क्योंकि पोर्ट्रेल जो है एग्जीबिशन है वो सिंगुलर है, और इसका ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी ये वर्ब हो गई। ठीक है, मतलब ये जो पोर्ट्रेल ऑफ क्रिटिक्स है, जिस तरीके से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो फोर क्लोज कर रहा है, क्या फोर क्लोज कर रहा है, वो फॉरबिड कर रहा है, रोक रहा है कि अच्छे तरीके से डायलॉग्स को कंडक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे पोर्ट्रेल सिंगुलर था तो हमने फोर सीज को यूज किया है। ठीक है,
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. एफर्ट्स टू अंडरमाइन अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स अपोज टू द गवर्नमेंट हैव एक्वायर्ड अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न. देखें अगर मैं बात करता हूं एफर्ट्स टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब हो गया वीकन करना, कमजोर करना. लेजिटिमेसी का मतलब हो गया ऑथेंटिसिटी, वास्तविकता, वास्तविकता कह सकते हो जिसको आप. हैव अपोज्ड टू द गवर्नमेंट हैव एक्वायर्ड ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न, यानी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसने क्या डिसाइड किया हुआ है, उसने एक प्रिडिक्टेबल एक अप्रोच क्या एक पैटर्न उसने फॉलो किया हुआ है. क्या पैटर्न फॉलो किया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टर यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपोज करती है, उसको उसको अपोज करती है, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगा देते हैं. मतलब अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसके खिलाफ चार्जेस लगा देते हैं कि ये एंटी नेशनल है. तो इस तरीके की बात चल रही है. देखो एफर्ट्स टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल एक्टर अपोज टू द गवर्नमेंट, यानी जो अपोज करता है गवर्नमेंट को, हैव एक्वायर्ड ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न, और उसने क्या पैटर्न फॉलो किया गवर्नमेंट ने, जो कोई भी उसको अपोज करता है, गवर्नमेंट को अपोज करता है, तो उन्होंने एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न, प्रिडिक्टेबल में सर्टेन, उसने एक पैटर्न को फॉलो किया. वो पैटर्न क्या है, देखो इट्स क्रिटिक्स. अब यहाँ पे इट्स गवर्नमेंट के लिए यूज किया, क्रिटिक्स आप कह सकते हो जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, आर रूटीनली लेबल्ड एंटी नेशनल बाय द सोशल मीडिया ट्रोल्स. ट्रोल्स का मतलब हो गया समवन हु प्रोवोक्स और अब्यूजेस अदर्स स्पेशली ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे जिसको ट्रोलिंग किया जाता है, ट्रोलिंग सुना होगा आपने राइट. तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, तो उसको एक लेबल कर दिया जाता है. लेबल का मतलब, लेबल्ड का मतलब हो गया टैग देना, उसको टैग दिया जाता है कि वो एंटी नेशनल है, और सोशल मीडिया पर उसको क्या किया जाता है, ट्रोल किया जाता है. यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो उसको एंटी नेशनल कहकर, एंटी नेशनल बोला जाता है उसको, और साथ के साथ उसको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया जाता है. एंड द फंक्शनरीज, फंक्शनरीज का मतलब हो गया ऑफिशियल्स ऑफ रूलिंग बीजेपी. मतलब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है और जो ऑफिशियल्स होते हैं बीजेपी के, वो भी इस बात का एलिगेशन लगाते हैं कि ये एंटी नेशनल है. यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या बोला जाता है, एंटी नेशनल बोला जाता है, आपको ट्रोल किया जाता है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर. इन्वेस्टिगेशन फॉलो ऑफन बाय द सेंट्रल एजेंसीज. जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं नॉर्मली वो सेंट्रल जो एजेंसीज होती है वही फॉलो करती हैं. द NIN, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये एजेंसी के नाम है जो नॉर्मली किसी भी इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करती हैं, उनको उनको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती हैं. द स्टेट रिस्पॉन्सेस टू द एजिटेटर इन द कश्मीर, भीमा कोरियागोन एक जगह का नाम है, एंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैव बीन हैवली हैंडेड. देखिए अब नॉर्मली यही केस नहीं है, इससे पहले भी कश्मीर को 370 केस को लेकर हम बात करते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट्स के एक्ट को लेकर बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हैव बीन हैवली हैंडेड. हैवली हैंडेड का मतलब आप कह सकते हो इनसेंसिटिव, ओवरली फोर्सफुल. तो इन केसेस को गवर्नमेंट ने क्या बहुत ही सीवियर तरीके से, बहुत ही एक कह सकते हैं एक बहुत फोर्सफुल तरीके से इनको क्या किया, उन्होंने हैंडल किया है, और जिसको उसका क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोगों ने उसको क्या किया था, उसको भी एजिटेट किया था कहीं ना कहीं, लोगों ने उसका भी प्रोटेस्ट किया था, और उस केस को उन्होंने बड़े फोर्सफुली तरीके से हैंडल किया. दैट प्रोबेबली इज द मैसेज दैट द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कन्वे ऑल द डिसेंटर्स. कहीं ना कहीं अब जो गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसीज को बाय हुक एंड क्रूक्स इंपोज कर रही है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक मैसेज कन्वे कर रही है सभी को, ऑल डिसेंटर्स. डिसेंटर्स का मतलब प्रोटेस्टर्स, जो उसकी पॉलिसी सहमत नहीं है, उन सभी को गवर्नमेंट एक क्या कर रही है, एक मैसेज देना चाह रही है, करंट एंड प्रोस्पेक्टिव, प्रेजेंट में देना चाह रही है और फ्यूचर में, उन सभी को एक मैसेज देना चाह रही है. क्या, इट विल नॉट फील रिस्ट्रेंड. रिस्ट्रेंड का मतलब होता है कंट्रोल्ड, कि गवर्नमेंट जो है, इट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया, गवर्नमेंट विल नॉट फील रिस्ट्रेंड बाय प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल का मतलब होगा सिद्धांत ऑफ फेडरिज्म. फेडरिज्म का मतलब देखो क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ
government in which the territory is controlled by two level of government or democratic norms putting down the protest. अब यहाँ पे साफ साफ मतलब ये बात, ये इस बात का मैसेज है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं करने वाली है, अपने आप को कंट्रोल्ड नहीं करने वाली है. अगर उनको किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को पुट डाउन करना पड़े, दबाना पड़े, तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसको दबाने की कोशिश करेगी. चलो इसके कुछ ग्रामर रूल्स की बात करते हैं. अब यहाँ पे भी आपका इन्फिनिटिव यूज किया आपने, कैसे इन्फिनिटिव आपने यूज किया है, टू प्लस वी वन आ गया आपका. यहाँ पे इट्स किसके लिए यूज किया गया, गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया. क्रिटिक्स का मतलब क्रिटिसाइजर्स हो गए हैं. अब यहाँ पे हमने पैसिव फॉर्म यूज किया है, बी प्लस थर्ड फॉर्म होता आपका स्ट्रक्चर पैसिव में, लेकिन हैव है तो हैव भी अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, तो बी का थर्ड फॉर्म बन जाता है बीन, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया है, तभी यहाँ पर हैव बीन हैवली हैंडेड. ये पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे इट यूज किया है गवर्नमेंट के लिए. द एन आई ए मूव, अभी जो गवर्नमेंट ने एन आई का मूव जो मतलब अभी चला है, कैन नॉट बी सीन डीलिंक्ड. डीलिंक्ड का मतलब हो गया एसोसिएट करना, ठीक है, फ्रॉम हिज ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया बिग सर्कमस्टेंसेस. मतलब अभी ऑब्वियस सी बात है, जो गवर्नमेंट ने एन आई का एक स्टेप चला है, एक मूव चला है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, कि ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ने ये डेलिबरेटली इस पर्टिकुलर स्टेप को उठाया है. सिक abroad are vibrant segment of the diaspora. देखो vibrant का मतलब strong कह सकते हो, segment का मतलब आप कह सकते हो section. बहुत सारे Sikh community के ऐसे लोग हैं जो कि foreign में हैं, ठीक है, of diaspora. diaspora का मतलब migrant, जो बाहर जाके shift हो गई हैं. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे Sikh community के ऐसे लोग हैं जो कि अब्रॉड यानी जो बाहर जाकर माइग्रेट, जो माइग्रेट है मतलब जो ऑब्वियस सी बात है जो बाहर जाकर शिफ्ट हो चुके हैं. हैविंग लिंक्स विद मदरलैंड, अब ऑब्वियस सी बात है वो बाहर जाकर माइग्रेट हो चुके हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका अपनी मदरलैंड अपनी इंडिया के साथ उनका कोई लिंक नहीं है. तो डेफिनेटली उनका परिवार, उनके रिलेटिव्स, उनका डेफिनेटली अपनी कंट्री के साथ कहीं ना कहीं कोई लिंक तो है. इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशन टू रिलीजियस एंड चैरिटी एक्टिविटीज, अक्सर वो जो डायस्पोरा मतलब जो माइग्रेंट है जो कि फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो गए हैं, वो अक्सर इंडिया में होने वाले जो भी रिलीजियस प्रोग्राम है, कोई भी चैरिटी एक्टिविटीज है, उनमें अक्सर वो डोनेशन देते हैं. अदर डायस्पोरा ग्रुप, और मतलब सिख कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ, और दूसरे जो ग्रुप है जो माइग्रेंट ग्रुप है, ऑल्सो सपोर्ट एक्टिविटीज, वो भी सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. मतलब चैरिटी की अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ चैरिटी मतलब आपका रिलीजियस या रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं, बल्कि जो अदर डायस्पोरा है, जो दूसरे माइग्रेंट है, वो इंडिया के अंदर एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर अक्सर अपना डोनेशन देते रहते हैं. द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज ए पॉलिसी, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई है ऑफ हार्नेसिंग. हार्नेसिंग का मतलब होता है पुट ए हार्नेस, लगाम लगाना, लगाम लगाना यानी, ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसने लगाम लगाने की कोशिश की है. द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डायस्पोरा एवरीवेयर फॉर नेशनल प्रोग्रेस, और उन्हें जहां जहां से जो इंडियन डायस्पोरा है उसको लगाम लगाने की कोशिश की है, और हवाला किस बात का दिया है कि फॉर नेशनल प्रोग्रेस, ये नेशनल प्रोग्रेस के लिए बात कर रहे हैं. There has to be high threshold to consider any such community. देखिए, there has to be high hold. There has to be high threshold. Threshold का वैसे meaning होता है doorsill, दहलीज. लेकिन यहाँ पर हम इसको measurement की तरह use कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं there has to be high threshold to consider. मतलब इस बात को consider करना, इस बात को पहले हमें इस बात को consider करना, किस बात को consider करना, एनी सच कम्युनिटी एक्टिविटी. अगर कोई भी कम्युनिटी एक्टिविटी होती है, अगर हम उसको कंसिडर करते हैं एज ए नेशनल एंटी नेशनल, भी कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है जो कम्युनिटी परफॉर्म करती है, उसको एंटी नेशनल बोलने से पहले एक एक स्टैंडर्ड थ्रेस होल्ड होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक
मेजरमेंट होना चाहिए उसको, प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए उसको इवेल्युएट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी को ही लोग कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हम सीधा ही एंटी नेशनल बोल दें, तो उससे पहले उसका हमें क्या करना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए, उसको इवेल्युएट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। एंड नो कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन मस्ट इन्फ्लुएंस दैट असेसमेंट। और डेफिनेटली सी बात है, और जब आप असेसमेंट करते हो किसी भी कम्युनिटी को इंटरनेशनल साबित करने के लिए, तो रिलीजन को दिमाग में लाकर ना करें, कंसिडर नहीं करना रिलीजन कौन सा रिलीजन है, कि अगर ये सिख है या मुस्लिम है तो इसको हम इंटरनेशनल साबित कर सकते हैं। तो एक फेयर इनफ मतलब क्या होना चाहिए, एक असेसमेंट होना चाहिए जो कि आपका रिलीजन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ ग्रामर रूल्स देखते हैं हम। कैन नॉट बी सीन, देखो यहाँ पर भी हमने पैसिव फॉर्म यूज किया, बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज किया, ये मॉडल वर्ब हो गया, तो यहाँ हमने पैसिव का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। अब फिर यहाँ पर देखो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमने वी वन प्लस आई एन जी यानी हमने जीरेंड का यूज किया है, प्रेपोजिशन के बाद अब जीरेंड यूज करते हैं। देखिए आप यहाँ पे टू प्लस वी वन फिर आ गया आपका, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मस्ट जो होता है वो आपका एक मॉडल वर्ब है जो कि कब यूज करते हैं, जब आप किसी चीज को फोर्सफुली यानी कंपेल करते हो, ठीक है, जब आप स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हो, ठीक है, कंपल्शन की बात करते हो, तो वहां पर हम मस्ट का यूज कर लेते हैं। तो ये था आपका पर्टिकुलर इस स्लाइड का एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। द एन आई मूव एन आई ए NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो इंस्टेंट मूव है, क्विक मूव है, यानी जो उसने अभी एक मूव लिया हैज बीन कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब उसको क्रिटिसाइज किया जाना, यानी उसको क्रिटिसाइज किया गया है एज इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है वार्निंग, क्योंकि अब उसको एज ए वार्निंग लिया जा रहा है, ठीक है, या तो आप मतलब असिस्ट मत करो फार्मर्स को, एजिटेशन को असिस्ट मत करो, अदरवाइज आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे सेडिशन के। तो ये वाला जो मूव है इसका गवर्नमेंट मूव को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, अमंग अदर्स बहुत सारे लोगों ने, बाय अकाली दल, और साथ के साथ जो अकाली दल है उसने इसको क्रिटिसाइज किया इस स्टेप को, अनटिल रिसेंटली ए बीजेपी एलाई। एलाई का मतलब होता है उसकी सहभागी पार्टी कह सकते हो आप, पहले बीजेपी के साथ मतलब पंजाब के अंदर सरकार बनाती थी, लेकिन अब उसने भी क्या किया है, एनआई के स्टेप जो है मूव है इसको क्रिटिसाइज किया है। स्ट्रॉन्ग आर्म्स टेक्टिक्स मे बी अनअवॉइडेबल व्हेन देयर इज एन इमीडिएट थ्रेट ऑफ वायलेंस। अब यहाँ पे एडिटर बोलना चाह रहा है कि मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्म टेक्टिक्स, स्ट्रॉन्ग आर्म्स का मतलब हो गया यूज फोर्स, कि हमें फोर्स को यूज करना होता है, टैक्टिक्स का मतलब हो गया कहीं तरह की प्लानिंग करना, ठीक है, कि हाँ कि हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स यूज करना पड़ेगा, हमें वो टैक्टिक्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जब एक इमीडिएट थ्रेट ऑफ वॉयलेंस, कि हमें जब ऐसा लगता हो कि वॉयलेंस होने वाला है, तो हाँ डेफिनेटली सी बात है हमें स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स को तो फॉलो करना होता है, बट रिप्लेसिंग पॉलिटिकल डायलॉग विद स्टेट इंटिमिडेशन इज नेवर स्ट्रेटेजिकली प्रूडेंट। लेकिन ये बात कहां तक जायज है, कि अब जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात थी, मैं समझदारी से बात होनी चाहिए थी, पॉलिटिकल तरीके से डिस्कशन होना चाहिए था, विद स्टेट इंटिमिडेशन की मतलब वार्निंग दे दी गई है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से बातचीत करने के बजाय स्टेट को क्या मिली है, वार्निंग मिली है। क्या वार्निंग मिली है, मतलब उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डायलॉग की बजाय, एक प्रॉपर डायलॉग की बजाय, एक प्रॉपर डिस्कशन की बजाय वार्निंग मिली है, ये स्ट्रेटेजिकली विद रिगार्ड टू स्ट्रेटेजी प्रूडेंट, ये वाइज नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से क्या देना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग देना, कि वार्निंग क्या मिली है, क्या तो आप मतलब ये जो प्रोटेस्टर है इनको एसोसिएट मत करो, अदरवाइज आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे, किस चीज के चार्जेस लगेंगे, सेडिशन के चार्जेस लगेंगे। तो ये कहां तक वाइज है, मेरे हिसाब से ये बात वाइज नहीं है, ये प्रूडेंट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स इन गुड फेथ। गवर्नमेंट को फार्मर्स को डराने की बजाय, उनको वार्निंग देने की बजाय, उनको क्या करना चाहिए, टॉक टू द फार्मर्स, फार्मर्स के साथ बातचीत करनी चाहिए इन अ गुड फेथ, मतलब उनका जो फेथ है उसको गेन करना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस को जीतना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो फेथ गवर्नमेंट ने उन फार्मर्स के लिए खो दिया है, उस फेथ को गवर्नमेंट को गेन करना चाहिए, और कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि इस एजिटेशन को हटाया जा सके विदाउट एनी वायलेंस। अब यहाँ पे कुछ ग्रामर रूल्स देखते हैं हम। देखो यहाँ पे हैज बीन कंडेम्ड, अब यहाँ पर भी पैसिव का फॉर्म हमने फॉलो किया है, देखिये बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है,
ठीक है। अब हैज के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने बीन यूज कर लिया और थर्ड फॉर्म आपकी आ गई, पैसिव फॉर्म हो गया ये। मस्ट यहाँ पे फिर आपका क्या है, मस्ट जब आप किसी चीज को कंपेल करते हो, जब आप किसी चीज को फोर्सफुली या स्ट्रोंग एडवाइस देते हो, तो वहां पर आप मस्ट का यूज कर लेते हो, स्ट्रोंग एडवाइस के केस में यूज कर लेते हो, ठीक है। तो मस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रोंग एडवाइस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे एडिटर बोलना चाह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग वार्निंग टू द प्रोटेस्टर, गवर्नमेंट मस्ट फाइंड अ वे विच कैन वीकन द एजिटेशन एंड दे कैन फाइंड आउट अ प्रॉपर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उनको एक प्रॉपर वे निकालना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। वार्निंग इज नॉट द सॉल्यूशन। अब आप लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस बिना देखे सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, बल्कि उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से बातचीत करना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस को हमें गेन करना चाहिए। तो ये आज का आर्टिकल था। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। आई ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस आर्टिकल फॉर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक, शेयर एंड कमेंट।